माल लाए हो, काम हो गया। फाइल दिखाओ। बहुत रिस्क लेना पड़ा, आधे से भी कम पैसे में काम किया है तुम्हारा, क्या करता, मजबूरी जो है। कम ऑन, ये लो। ठीक है, 50,000 है ये तो, बाकी के 1.5 लाख याद है ना, 50,000 बोले थे, 50,000 दे। क्या उल्लू समझा मुझे, सब्जी मंडी में आए हो? हाँ चलो, बाकी के 1.5 लाख दो, पूरे पैसे दो, कम ऑन। 1.5 लाख चाहिए? हाँ, ये ले 1.5 लाख। आपने जो भी किया मैं उससे सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि आप लोगों से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आप लोगों की भलाई इसी में होगी कि ये फाइल आप मुझे दे दें। नमित, इसे फाइल मत देना। पंचो फाइल छोड़, फाइल छोड़ो पंचम, पंचो फाइल छोड़, छोड़। क्षण भंगुरे इस देह पर क्यों इतना इतराए, काया तो है माटी की, माटी में मिल जाए, माटी में मौसा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये आपका आखिरी मौका है, अब डैड के सामने जाकर आप अपना गुनाह कबूल करेंगे। नहीं, नहीं। डैड, तुम यहां पंचम? ये फाइल तुम्हारे पास कहां से आई? मौसा जी ने 2 लाख रुपए में नमित चाचा और नरेश सिंघानियों को बेच दी थी, उनसे वापस लेकर आ। क्या? कमलेश ने? हाँ। ये इतना कमीना और गिरा हुआ इंसान था, राशि ने कभी बताया नहीं? बताया था मुझे। क्या? हाँ, मौसी ने मुझे सब कुछ बता दिया कि मौसा जी एक नंबर के धोखेबाज और जुआरी इंसान है। पंचम, जब तुम सबको जानते थे तो तुमने कमलेश को इस ऑफिस में जॉब दिलवाने की बात क्यों की? उसके लिए मैं आपसे बहुत माफी चाहता हूँ डैड, क्योंकि उस वक्त मौसा जी ने मुझे कहा था कि वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, और प्रायश्चित करने का किसी को भी एक मौका तो देना ही चाहिए ना, इसलिए मैंने बस। ये जुआरी कुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं पंचम, जो कभी नहीं सुधरते। अगर ये फाइल हमारे दुश्मन के हाथ में पहुंच जाती तो जानते हो क्या होता? हमारा दुश्मन हमें बर्बाद कर देता, तबाह कर देता हमें वो। सिंघानिया और किशोर।